Hello everyone, how's your preparation going on? Me Divakar Rajput, welcome to all of you the official channel of Divakar Education Lab. So guys, आज हम बात करेंगे उन questions पे, उन questions के topic पर जो कि आपके last 3-4 terms से पूछे गए हैं. देखिए, question कभी repeat नहीं होता, but कुछ ऐसे topic है जो कि आपके हर बार उनसे question आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन कुछ topics पे और उन topics को आपको definitely go through जाना चाहिए. इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कहूँ इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट तो ये गलत होगा. देखिए गाइस, पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, पेपर कोई फैकल्टी नहीं बना रहा है, पेपर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बना रहा है. तो क्या आने वाला है ये सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एक्चुअल में क्या आएगा वो कोई नहीं बता सकता है. जैसे कि आपका 30% चेंज हुआ है हर यूनिट में. ठीक है, कॉमर्स में आपकी यूनिट 9 यू इंक्लूडेड कर दी गई हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक है जो लीगल आपके लीगल फंडामेंटल जो फाइनेंस से रिलेटेड है, एक तरीके से जो लीगल फाइनेंस होते हैं, टैक्सेशन के भी कुछ टॉपिक है वहाँ पर, जैसे GST हो गया. तो यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि आपकी बार जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, बट आपको एक चीज़ मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि आपको जो सिनेरियो होगा पेपर का वो 60% चेंज मिलेगा. ठीक है, तो टोटल जो उसका फ्रेमवर्क होगा वो आपको 60% यहाँ पर चेंज होना होगा, क्योंकि इतने सारे बड़े एक बड़े स्केल पे यहाँ पर चेंज किया गया है. तो इसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो पेपर होगा उसमें आपको काफ़ी नए चेंजेस देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर यूनिट टू यूनिट वाइज आपको बताऊँगा, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस ना बार बार पूछ ही लिया जाता है, या आप कह सकते हैं कि एग्जामिनर के पास कोई चॉइस नहीं रहती है, तो वो उन्हीं क्वेश्चन को यानी कि उन्हीं टॉपिक पर, बेसिकली नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, उन्हीं टॉपिक पर क्वेश्चन फॉर्मेट कर देता है. वो फॉर्मेट करके, न्यू टाइप का फॉर्मेट करके, वही उसी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ लेता है. ठीक है, बट काफ़ी चेंज हुए हैं आपके बार. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 60% आपको नया ही देखने को वहाँ पर मिलेगा. सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, देखिए गाइस, जैसे कि 55 डेज बचे हैं, हमारा स्पीडअप बैच अभी स्टार्ट हुआ है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पेपर वन, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो गाइस, अगर बात करें इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, देखिए इंटरनेशनल बिजनेस एंड इन्वायरमेंट आपका पहले ही था. अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो जितनी भी थ्योरीज है, ठीक है, जितने भी एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, वर्कर एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, इन पे जनरली आपको देखने को मिलता है. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा. इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, इसके अलावा और भी टॉपिक यहाँ पर इंक्लूडेड है, जैसे फीमा, ठीक है, ये अभी इंक्लूड किया गया है. लीगल इन्वायरमेंट, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, इंटरनल ही आएगा. अगर हम बात करें आपका इंटरनेशनल बिजनेस, देखिए इंटरनेशनल बिजनेस में दो तो आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, वो है FDI, ठीक है, और आपका FDI टॉपिक हो गया, और आपका हो गया यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो जनरली आपको पता होना चाहिए. यू हैव टू बी नो व्हाट इज़ द करंट अकाउंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या गुड्स आते हैं, रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट्स क्या है. तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. कैपिटल अकाउंट क्या है, आप अगर देखेंगे कॉमर्स का पेपर तो वहाँ पर एक जनरली क्वेश्चन आया था आपका इंटरनेशनल बिजनेस से, जहाँ उन चारों चीज़ों के बारे में पूछ लिया गया था आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आगे एक लाइन दे देते हैं. ये फॉर्मेट काफ़ी चल रहा है आजकल कि कोई टॉपिक दिया, टॉपिक के आगे एक सेंटेंस बना दिया. अब आपको देखना है, अगर उसके लिए आपको लिटरली उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तो अभी पूछा था FDI, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट के बारे में, तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, देखिए थ्योरी जितने भी है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इकोनॉमिक्स की थ्योरी हो गई, इन्वायरमेंट की थ्योरी हो गई, आपका मैनेजमेंट की थ्योरी हो गई, ठीक है, जितनी भी थ्योरी होती है आप उनका ना एक अलग से एक सेपरेट नोट्स बना लीजिए, या आपने बनाए होंगे, और उनके ईयर
कब हुआ, दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड राइटर कौन है उसका, किसने फाउंड की है, किसने डिस्कवर की है, दैट्स ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, FPI। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अब की बार कुछ इंक्लूड किया गया है क्या, एशियान जो एशियान में 10 कंट्रीज आती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें एशियान, सार्क, नाफ्ता, यूरोपियन यूनियन, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है मोस्टली इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में यू नो कोलैटरल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए और ट्रेड को यू नो ट्रेड का जो ट्रेड होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसे बढ़ाने के लिए यूज़ हुआ है। तो देखिए ये एशियान, आपको वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान, फिलीपींस में है आई थिंक। ठीक है, कितनी कंट्रीज है इसमें, 10 कंट्रीज है। ठीक है, कब गठन हुआ था, कौन सी कॉन्फ्रेंस, ये ज़रूर देख लीजिएगा कौन सी कॉन्फ्रेंस पर ये गठन हुआ था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, लास्ट की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। ठीक है, ऐसे सार्क हो गया, सार्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाफ्ता भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अब की बार काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यू है, क्योंकि ये आपका पहले नहीं है। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री है, ब्रेग्जिट, अभी ब्रेग्जिट का बेसिकली वहाँ पे चल रहा है इशू, यू नो अगर आपने सुना होगा कि यू नो ब्रिटिश वहाँ से निकलना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। मे बी आपका ये जनरल अफेयर से यानी कि करंट अफेयर से रिलेट कर सकता है, तो दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब यू नो ब्रेग्जिट के बाद कितनी कंट्री रह जाएगी, क्या इशू चला है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, WTO। ठीक है, GATT एंड ऑल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, ये भी काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका। ऑलमोस्ट आपको सभी इम्पोर्टेंट होता है, बट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेड, WTO, GATT, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स बेसिकली आपका यू नो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं, यही पार्ट है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर यू नो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बात यू नो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के आप 10-10 पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, 10-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब फॉर्मेशन हुआ, लास्ट यू नो इनका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो कब है, काम क्या करते हैं ये, कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे आप 10 पॉइंट्स लिख लेना, ये मोर देन इनफ हो गए। अगर बात आए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपके जैसे पहले भी थे पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, अब कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, ये आपका पहले भी थे होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, ये जब यू नो मर्ज होती है एमलगेशंस एंड ऑल दैट। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पहले भी थी आपके, इस पर कुछ जोड़ा गया है जैसे काइजन कॉस्टिंग जोड़ी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग है। ठीक है, और आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग एंड काइजन कॉस्टिंग जब आप पढ़ेंगे तो यू नो पहले आपको टारगेट कॉस्टिंग पढ़नी पड़ेगी जब काइजन कॉस्टिंग पढ़ेगी, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, ये जितने भी टाइप की कॉस्टिंग होती है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले इतनी टाइप की कॉस्टिंग नहीं आती थी आपकी, ठीक है, पहले मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यही आपकी रहती थी, बट अब ये भी आपको काइजन, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सब इंक्लूड कर दिए गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस, रेशियो एनालिस, फंड फ्लो एनालिस, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशो, ये तो आपका पहले से इंपॉर्टेंट था। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये जो पार्ट था ये पहले फाइनेंस का पार्ट था, ठीक है, तो अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंट अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी फाइनेंस में था आपको अगर याद हो तो। ऑडिटिंग, दैट्स द इम्पोर्टेंट, अब ऑडिटिंग कितना पढ़े, ठीक है, देखिए वैसे तो अगर आप ऑडिटिंग थोरली पढ़ते हो तो एक CA और CS की एक बुक्स आती है, बेसिकली मैं राइटर्स का नेम भूल गया हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है, बट आप इतना मत पढ़िएगा। आप बेसिकली यहाँ पर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वॉचिंग और यू नो ये वॉचिंग में क्या आते हैं, बेसिकली वॉचिंग में क्या होते हैं, ऑडिटर का प्रोसेस क्या रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट, देखिए अगर ऑडिट की बात करें तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, जांच करना। ठीक है, जांच करना, तो ऑडिट तो आपका काफ़ी प्रकार का हो सकता है, एनर्जी ऑडिट,
और ऑडिट बेसिकली कंपनीज क्यों करवाती हैं इन सिंपल टर्म पर क्या है कि ताकि उनके अकाउंट्स पे चेक कर सके कि वो कहीं पर ज़्यादा लाइबिलिटीज़ तो नहीं कर रही, या उन्होंने कहीं अपने बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटीज़ तो इंक्लूड नहीं कर दी है जो वहाँ से एक्सक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के लिए यहाँ पर होती है। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऑडिटिंग अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप वॉचिंग पढ़ने लगे पहले। वॉचिंग क्या होता है आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। वॉचिंग में होता क्या है, वॉचिंग किन चीज़ों की जाती है, ये आपके समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उससे स्टार्टिंग से ना पड़े। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में खास कुछ चेंज नहीं है, पहले जैसे ही टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ARM और MR से क्वेश्चन आपको आ जाता है। इसे आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है, कर्व दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, ये इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, क्या है। बाकी जो मार्केट है दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको हर मार्केट का पता होना चाहिए। मोनोपोलिस आपसे की स्टेटमेंट हो जाती है कि सपोज़ अगर कोई मोनोपोलिस मार्केट है तो बेसिकली वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे घटेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस क्या होते हैं। ठीक है, अगर बात करें फाइनेंस की तो देखिए फाइनेंस बेसिकली यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको नए देखने को मिलेंगे। लीज फाइनेंसिंग आपके पहले से ही थी, काफ़ी इजी टॉपिक है लीजर एंड लीजी। ठीक है, अगर आप इसे पढ़ें। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कुछ आपको कुछ अकाउंटिंग में भी मिल जाता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन थ्योरी एंड पॉलिसीज, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, एसेट्स सिक्योरिटीजाइजेशन। ऐसी सिक्योरिटीजाइजेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा, ये एक नया टॉपिक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की जब भी बात होती है ना तो जनरली अगर आपको पूछ लिया जाए कि विच वन इज़ नॉट ए मॉनेटरी सिस्टम, तो सेबी तो वहाँ पर होगा ही। ठीक है, सेबी तो होगा ही वहाँ पर, सेबी RBI तो होगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यहाँ पर एक्सचेंज या हेडजिंग टेक्निक, हेज फंड क्या होते हैं ये ज़रूर देखिए। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इरो करेंसीज़ के बारे में यहाँ जान लीजिए, इरो करेंसी कितने कंट्रीज में चलती है, ये कोऑर्डिनेट करके है आपकी यूनिट वन से। ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्राज, ये यूनिट इंटरनेशनल आर्बिट्राज का मतलब होता है यहाँ पर जनरली करेंसी की बात होती है कि आप एक कंट्री सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सपोज़ इंडिया में आपको सपोज़ आपकी करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ जाती है, आपने अपनी करेंसी इंडियन रुपीस से आपने यूरो में कन्वर्ट करी, यूरो से आपने आपको बेसिकली आपने कन्वर्ट करी US डॉलर में, तो आप देखेंगे कि आपकी करेंसी की, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें होती है आक्स एंड बिड। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा लेकर आपको। ठीक है, नहीं तो एक मैंने टॉपिक इस पर एक बनाई थी एक वीडियो इंटरनेशनल आर्बिट्राज, ये ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, देन आप आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, ये तो आपके पहले से ही ये टॉपिक था। ठीक है, इसके अलावा अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम। ठीक है, बायस थ्योरम इट्स इम्पोर्टेंट, ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ये पहले नहीं था। ठीक है, बाइनोमियल पोजिशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहले ही था आपका। ठीक है, डाटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग आ गया, ये आपका पेपर वन में भी हेल्प करेगा। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली आपके काफ़ी टेस्ट आए, इनोवा आपका, मैन विटनी यू टेस्ट नया है, क्रोशल वॉल्स टेस्ट, एच टेस्ट आपका नया है, रैंक कोरिलेशन टेस्ट भी आपका नया ही आया है। रिपोर्ट राइटिंग इन द स्टैटिस्टिक्स टर्म, ये ना ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ पर। अगर यूनिट सिक्स बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर ये मैनेजमेंट की थ्योरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैनी फ्यूल्स ने जितनी भी थ्योरी दी है, मायो जितनी भी थ्योरी यहाँ पर, जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जितने भी मैनेजमेंट दिए, काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, जितनी और ये आपके इसमें मार्केटिंग की भी काफ़ी बार थ्योरी पूछी जाती है। अगर बात करें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की,
तो यू नो यहाँ से क्वेश्चंस यू नो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके रिक्रूटमेंट प्लानिंग, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जॉब इवेल्यूलेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप। ठीक है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपको आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि यू नो आपको आंसर यहाँ पर यू नो सेम से ही लगते हैं। ठीक है, यू नो आपसे पूछ लिया जाता है डाउन साइजिंग क्या होती है, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो हर टर्म्स के लिए लिटरली पढ़ें। हमारे ऑनलाइन स्टोर में ओल्ड बुक्स आर अवेलेबल, सारी बुक्स अवेलेबल है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पर बैंकिंग कम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जाते हैं, काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे आपके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए, पहले तो ये रिस्क मैनेजमेंट क्या पॉलिसीज है, NPA मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, मनी एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये फाइनेंस का भी पार्ट है आपका। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, काफ़ी बात चलती है, काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं ये। म्यूचुअल फंड जो लेटेस्ट ट्रेंड में, व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, और कैसा होता है, कैसा प्रोसेस रहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन यू नो जब आप डायरेक्टली जाके यू नो आप बेसिकली जब डीमैट अकाउंट खुलवाकर आप शेयर्स परचेस कर लेते हो, और इसमें आपका क्या बेनिफिट रहता है, क्या रिटर्न, क्या टाइप्स के आपके म्यूचुअल फंड रहते हैं। फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया, ये इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, सॉरी, इसकी अगर बात करें तो कौन है, RBI, ठीक है, ओके। अगर हम सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आपका SEBI है, ठीक है, उसके अलावा भी अलग, जैसे आपका NABARD हो गया, ठीक है, ये अलग अलग सेशन है। RBI की काफ़ी सारी कमिटीज़ है जो देखती है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका। देन बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रेंशन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये तो आप जानते हैं, पर इनके टर्म्स आप ज़रूर रखें। इनमें बेसिकली क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया जाता है, इनके अंदर के जो टर्म्स होते हैं जिन्हें सपोज यू नो आपसे, जैसे वीज़ा हो गया, वीज़ा क्या है, ठीक है, कहाँ है, की कंपनी है, रुपए कब लॉन्च हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये सब आपका, ठीक है। डिजिटल पेमेंट, क्योंकि ये आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आता है, रुपए कब लॉन्च हुआ आपका, यू नो पेमेंट कैसे जाता है, जो आपके कार्ड पे यू नो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड में क्या अंतर है, आपके जो कार्ड पे वो जो ब्लैक स्ट्रिप होती है वो कब पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, जो कार्ड में चिप लगाई गई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फैक्टर लिमिटिंग इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, री इंश्योरेंस क्या होता है ये ज़रूर देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंश्योरेंस, IRDA एंड इट्स रूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप IRDA भी पढ़ें, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली सारे वही टॉपिक है जो आपके पहले आए हैं, तो यहाँ पर यू नो आपके ऑल टॉपिक ही यहाँ पर आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इट्स अ न्यू टॉपिक, तो ये ज़रूर पढ़िए, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, दैट द टोटली न्यू यूनिट, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ज़रूर पढ़िए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ज़रूर पढ़िएगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। यू नो ये यूनिट आप कवर कैसे करें मैं आपको बता दूँ, रटे तो बिल्कुल मत, आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ क्रम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ ओनली टू दैट कि आप समझे, ठीक है, आप अच्छे तरीके से पढ़े और रिवाइज करते रहे। इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी कॉन्टैक्ट हुए हैं उनमें पार्टीज़ क्या रहती है ये याद रखे, कब हुए हैं ये ज़रूर याद रखे, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन क्या रहते हैं, नोट्स अगर आपने बनाए तो अच्छा, नहीं तो अगर आप इसके सेपरेट बनाए तो प्रॉप्स एंड कॉन्स ज़रूर लिखिए, ठीक है। आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट की अगर देखिए, फोर काइंड के ऑफ नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, जनरली आपका चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया आपका, और आपका बेसिकली यहाँ पर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, और आपका
यहाँ पर ये लोग मुझे याद नहीं आ रहे, बट यहाँ पर फोर टाइप के बेसिकली आपके क्या होते हैं, आपके नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो क्या टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, डिसऑनर के क्या है, चेक के बारे में पढ़िए, टाइप ऑफ चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, ये ज़रूर यहाँ पर आप पढ़िए, ठीक है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये बेसिकली एक तरीके से आपको अकाउंटिंग में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है, और इससे आप मुझे बताइए कि इसे इससे टू जब कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आपका इन्वायरमेंट में था पहले, तो इसे ही डिजोल्व इससे पहले एक एक्ट को डिजोल्व किया गया था, वो एक्ट क्या था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। RTI एक्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, 2005 में आया था, ठीक है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। RTI, GST, अब GST में जितना यहाँ पर लिखा है ना, वर्किंग ऑफ ड्यूअल GST क्या होती है, स्टेट्स किन स्टेट्स में एप्लीकेबल होती है, किन में नहीं होती है, स्टेट का प्रोविज़न क्या है, स्टेट को कितना टैक्स जाता है GST में से, जो GST डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ठीक है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो उस पर भी रखेगा। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है, किन स्टेट्स में, अब मैं क्वेश्चन आया चाहे तो आपके, किन स्टेट्स में अभी तक GST लागू नहीं हुई, ठीक है, बताइए। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपके पहले ही टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़े यहाँ पर टॉपिक आपको है नहीं, ठीक है। लीज अकाउंटिंग, रिटेन रिन्यूअल रिप्लेसमेंट एसेट्स, डिडक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ एट्सो, ठीक है, इनकम टैक्स को भी आप रट नहीं सकते, समझना पड़ेगा। सेक्शंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, सेक्शन के अलावा भी आपको यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल जब आपके जनरली आपके कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पे आ जाते हैं, सेल्स टैक्स पे आ जाते हैं, ये कोऑर्डिनेट करना सीखिए, ठीक है। देखिए आपका जो ये दोनों यूनिट है 9 और 10, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिल जाएगी। GST ऑल्सो द पार्ट ऑफ टैक्स सिस्टम, ठीक है, ये भी आपका टैक्स सिस्टम ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एक्ट है जो इससे आपको रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए सिलेबस तो वाइड है, आपने अभी तक कितना कवर किया है ये भी डिपेंड करता है कि आपने अभी तक यहाँ पर कितना कवर किया है, बट मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरा बिल्कुल ये मानना नहीं है कि यहाँ पर कोई टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है, एवरी टॉपिक इट्स इम्पॉर्टेंट और देयर इज़ लॉट ऑफ द सिलेबस टू कवर, ठीक है। होप सो आपने कवर कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो दैट्स द इशू, ठीक है। सो गाइज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वी ट्राई टू सेटल डाउन ऑल द थिंग विदन इन 55 days फॉर यू, ठीक है। हम एक अच्छे से बैच प्रिपेयर करेंगे, आपको अच्छे से ट्राई करेंगे कि आपका सब कुछ विदन इन टाइम में कम्प्लीट हो जाए। सो गाइस थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।